नमस्कार, पानीपत से बड़ी खबर आपको दिखा दें। इस समय हालात जो हैं बिल्कुल सामान्य हो गए हैं, जाम को पूरी तरह खोल दिया गया है, पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां पर जो है सुबह से ही जाम लगाया गया था प्रदर्शनकारियों की तरफ से, लेकिन अब जो हालात हैं वो सामान्य होने लगे हैं। अगर जो पानीपत से कोई बाहर इस खबर को देख रहा है, लाइव देख रहा है, तो वो अपने घर पर जा सकता है। हालात बिल्कुल सामान्य हो गए हैं। ये ईंटें रखकर यहाँ पर रोड को जाम किया गया था प्रदर्शनकारियों की तरफ से। धीरे धीरे प्रदर्शनकारी जो हैं अपने घर की तरफ जाने लगे हैं। उधर जाम जो है पूरी तरह खोल दिया गया है, जैसा कि आप लोगों को लाइव तस्वीरें हम लोग पानीपत से के हाईवे से जीटी रोड की तरफ से दिखा रहे हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरह सुबह से ही मुस्तैद यहाँ था। किसी प्रकार की अनहोनी घटना जो है पानीपत में नहीं हुई। पुलिस और जिला प्रशासन सुबह से ही हर हालात पर नज़र बनाए हुए था। इधर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो प्रदर्शनकारी हैं धीरे धीरे अपने घरों की तरफ वो भी लौटने लगे हैं, और किसी प्रकार की कोई भी पानीपत में अनहोनी नहीं देखी गई, और हालात जो हैं अब पहले से सामान्य होने शुरू हो गए हैं। और सुबह से ही यहीं पर जाम लगाया गया था हाईवे के दोनों तरफ, यानी कि फ्लाईओवर के दोनों तरफ से ही जाम की स्थिति देखी जा रही थी, और इस रोड पर भारी जाम जो है प्रदर्शनकारियों की तरफ से किया गया था। बड़ी खबर पानीपत से आपको दे दें, जो लोग अभी 2200 पानीपत से जुड़े हैं, पानीपत में इस समय जाम की स्थिति बिल्कुल नहीं है। दोनों तरफ से जाम बिल्कुल खोल दिया गया है। किसी प्रकार की कोई अनहोनी नहीं हुई। प्रदर्शनकारियों ने बड़े पीसफुल तरीके से अपनी मांगों को रखा, और सुबह से ही यहाँ प्रदर्शनकारी बैठे थे। देख सकते हैं कि बसें भी हैं वो भी सामान्य हो गई हैं, रोड के ऊपर जो है चलने लगी है। जहाँ सुबह से सन्नाटा छाया हुआ था, अब वहाँ पर धीरे धीरे वाहन जो है चलने शुरू हो गए हैं। पुलिस प्रशासन भी सुबह से ही 10 बजे से यहाँ पर तैनात था। 10 बजे से लेकर 3 बजे तक का समय होने को आया है। 3 बजे के बाद कुछ हालात अभी सामान्य होने शुरू हुए, यानी कि कई घंटे तक हाईवे जाम रहा है। छोटे छोटे बच्चे फंसे रहे हैं इस जाम के अंदर। आप हालात देख रहे हैं कि ये जो प्रदर्शनकारी हैं धीरे धीरे अपने घरों की तरफ जाने लगे हैं। यहाँ पर जाम किया गया था और अब जो है हालात सामान्य हो गया है। जो लोग घरों में हैं, जिनका कोई काम था, जो गाड़ियाँ छोड़कर चले गए थे, वो अपनी गाड़ी ले सकते हैं। घरों से निकलकर वो बाहर अपने काम जो धंधे हैं वो कर सकते हैं, स्कूली बच्चों को ला सकते हैं, और जो कॉलेजों में बच्चे फंसे हुए थे वो भी अपने घर की तरफ कहीं ना कहीं जाना शुरू हो गए हैं। और पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने भी कहीं ना कहीं राहत की सांस ली है, क्योंकि सुबह से ही अनहोनी होने का खतरा बना हुआ था। लेकिन बड़ी खबर ये है कि कोई अनहोनी नहीं, और जाम जो है बिल्कुल खोल दिया गया है, और धीरे धीरे अब लोग अपने गंतव्य की तरफ जा रहे हैं। एक राहत की सांस जरूर लोगों ने ली है, क्योंकि सुबह से ही हाईवे पर वो लोग डटे थे, और धीरे धीरे हालात अभी सामान्य होने लगे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जीटी रोड पर गाड़ियां जो हैं निकलनी शुरू हो गई हैं, और लोगों ने जिस तरह के सुबह से प्रदर्शनकारियों ने हालात बनाए रखे थे, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि देर रात तक भी ये जाम नहीं खोलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब हालात जो हैं बिल्कुल सामान्य हो गए हैं, और पीसफुल तरीके से पानीपत को बंद किया गया है। किसी दुकान में तोड़फोड़ नहीं की गई, कोई प्रदर्शनकारी ने कोई उग्र प्रदर्शन नहीं किया। हालांकि जाम जरूर लगाया, और जाम की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पूरा का पूरा पानीपत घरों में दुबका था। दुकानदार भी अपनी दुकानों के बाहर बैठे थे, किसी प्रकार की अनहोनी ना हो इसकी शंका जो है जताई जा रही थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने ऐसा कुछ नहीं किया। जहाँ महिलाएं काफ़ी ज़्यादा संख्या में प्रदर्शनकारियों के यहाँ बैठी थी, अपनी मांगे मनवाने को लेकर उन्होंने सुबह से यहाँ पर जाम लगाया था। लेकिन गनीमत ये रही कि किसी प्रकार की कोई अनहोनी नहीं, और पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने भी राहत की सांस ली। और पहले हमने अपडेट दिया था कि लोग घरों से ना निकले, लेकिन अब दूसरा अपडेट ये आया कि जाम जो है बिल्कुल खोल दिया गया है, और किसी प्रकार की अनहोनी नहीं हुई है। प्रदर्शनकारी आप देख रहे हैं कि अपने घरों की तरफ लौट पड़े हैं, और बसें और जो रूटीन के जो वाहन है, दोपहिया वाहन है, वो धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर चलना शुरू हो गए हैं। जैसा कि आपको मैं पहले अपडेट में बताया था कि जाम इस समय है, घरों से ना निकले, लेकिन अब जो हालात हैं बिल्कुल सामान्य हो गए हैं। अब किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई है, तो सामान्य जो है जीटी रोड कर दिया गया है। किसी प्रकार की अब कोई दिक्कत परेशान नहीं हुई है, और जीटी रोड पर पुलिस पर लोग जाम करने पहुँचे थे। अब धीरे धीरे हालात जो है सामान्य हो गए हैं, और घरों की तरफ लोग जो है जाना शुरू हो गए हैं। और इधर के हालात दिखाऊं, यहाँ पर सुबह प्रदर्शनकारियों ने पत्थर रखकर किसी को आने जाने नहीं दिया था, ईंटें रखकर यहाँ पर रोड को जाम कर दिया था। हालात सुबह का आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर काफ़ी संख्या में महिलाएं बैठी थी और अपना प्रदर्शन शांतिपूर्वक ढंग से कर रही थी। हालाँकि किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा था, बच्चे काफ़ी संख्या में। अब हालात जो हैं सामान्य
बनते जा रहे हैं। पूरा का पूरा पानीपत जैसे कि बंधक बना हुआ था, घरों में दुबका हुआ था। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से कोई खास तैयारी इस तरह की नहीं की गई थी कि सुबह स्कूल की छुट्टी कर दी जाए, कॉलेज की छुट्टी कर दी जाए। उन्होंने इस प्रकार का किसी तरह का नोटिस नहीं दिया था, जिसके चलते स्कूली बच्चे स्कूलों में ही दुबके रहे। एक राहत की सांस जो है जिला प्रशासन ने जरूर ली है। इधर भी आप देख सकते हैं कि जीटी रोड पर हालात बिल्कुल सामान्य हो गए हैं और टू व्हीलर और फोर व्हीलर जो गाड़ियां जिन्होंने जाना था अपने गंतव्य की तरफ पहुंच रहे हैं। पानीपत से बाहर बहुत लोग फंसे हुए थे, सुबह से ही उनके फ़ोन वॉइस ऑफ पानीपत को आ रहे थे और पल पल की जो डिटेल है वो मांग रहे थे कि पानीपत के इस समय है कि हालात क्या हैं। लेकिन अब वो भी जो लाइव देख रहे हैं तो उनको भी ये बता दें कि हालात जो हैं इस समय बिल्कुल सामान्य हो गए हैं, पर किसी की प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने भी एक राहत की सांस ली। और बड़ी खबर पानीपत से आपको फिर दिखा दें कि इस समय हालात जो हैं बिल्कुल सामान्य हो गए हैं, किसी प्रकार की कोई अनहोनी नहीं हुई है। और जिला प्रशासन सुबह से ही जो उपायुक्त हैं सुमेधा कटारिया वो भी फील्ड में थी, जो पुलिस कप्तान हैं राहुल वो भी फील्ड में थे, डीएसपी जो नरेश अलावत संभालका हैं वो ऊपर के कमान संभाले हुए थे। पूरे के पूरे जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरह मुस्तैद था। तो अब जो है पूरी की पूरी तरह रोड साफ कर दिया गया। हालांकि अभी जो रास्ते में जो ईंटें पड़ी है उसको हटाने का काम पुलिस प्रशासन द्वारा किया जा रहा है और हालात जो है बिल्कुल सामान्य हो रहे हैं। और अब अपने घरों से निकल कर जो भी अपना हालात बिल्कुल सामान्य हो चुके हैं, अब किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लोगों ने एक राहत की सांस जरूर ली है। पर अभी करनाल से जो सूचनाएं आ रही हैं कि करनाल में भी अभी जाम की स्थिति है, घरोंडा भी थोड़ा जाम लगा हुआ है। धीरे धीरे प्रदर्शनकारी वहां से भी हट रहे हैं क्योंकि उनके जो सीनियर जो बड़े नेता हैं उनके फ़ोन उन तक पहुँच गए और धीरे धीरे सड़कों से वो लोग हटते जा रहे हैं। और धीरे धीरे जो हाईवे के हालात हैं वो सामान्य होने शुरू हो गए हैं। लेकिन सुबह से जो भारत बंद का ऐलान किया गया था, सुबह से ही लोग घरों में दुबके हुए थे। एक घरों में बंधक बनाने वाला जो काम था, बंधक बनकर वो अपने घरों में फंसे हुए थे। बच्चों को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था और गाड़ियां जो जहां की जहां थी वही गाड़ी की गाड़ियाँ रुकी। हालाँकि लोगों ने राहत की सांस ली है और ख़ासकर पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली है। दुकानें भी यहाँ पर खुलनी शुरू हो गई, सुबह से दुकानों को भी बंद किया गया था और अब दुकानें भी धीरे धीरे खुलनी शुरू हो गई हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि अब जो हालात हैं बिल्कुल सामान्य हो गए हैं, अब आप अपने घरों से निकलकर हाईवे में अपना काम जो है रूटीन का वो कर सकते हैं। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल और राहुल के साथ कुलवंत सिंह। हेलो।